हेलो दोस्तों, दिस इज तनवीर खान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेंटेंसेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस का आप पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव होता है आपका प्रश्नवाचक, निगेटिव होता है आपका नकारात्मक सेंटेंस हुआ होता है। तो ये हमारे सामने दिए हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इंटरोगेटिव टू टाइप के होते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है जो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हम बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि सेकेंड में हम स्टार्ट करते हैं जब वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में हम कब, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तब हम उसी की अंग्रेजी से बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सेम इंटरोगेटिव तो रहेगा आपका, सेकेंड टाइप का ही रहेगा, बट उसमें आपका नॉट ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें देखते हैं हम कि सेम हमारा इसमें भी वही चीज रहेगा। पहले रूल देख लेते हैं हम। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स हमारे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड हमारा यहाँ पर इजेम आ रहे हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क सिंबल। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इजे मार है, क्वेश्चन क्यू से, क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इसमें भी हमारा पहचान यही होती है, इसमें भी पहचान की बात करें हम तो पहचान की बात यही है सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस दोनों आते हैं तो हम सेंटेंस को हम उसी की अंग्रेजी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, कब को वेयर यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्यों को यूज करेंगे हम वाय, कहाँ को यूज करेंगे हम, सॉरी, कब को वेन यूज करेंगे, क्यों को वाय, कहाँ को वेयर,
हो गया, कैसे कैसे को हाउ, ये आ गया। तो ये आते हैं प्लस हमारा नकारात्मक, हमारा ये नकारात्मक भी आएगा प्रश्नवाचक के साथ, और प्रश्नवाचक नकारात्मक मतलब कि हो गया आपका ये नॉट हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है यहाँ पर। ये दोनों आते हैं आपका, ये प्लस प्लस है, पहचान समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल बताते हैं, लीजिए अपने। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, बात करते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है वह आज वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वो आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। देखिए क्यों भी है नहीं भी है, ओके, लेकिन यही का हम बाद में यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। क्यों हमारा पहला है, तो इसका वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, वाई। अच्छा एक चीज और देख लीजिए आप, ये जो आज है ना, आज की अंग्रेजी बनती है हमारी टुडे, टुडे को हम कहते हैं आज। टुडे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं या तो सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, बीच में कहीं यूज नहीं करेंगे हम। टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, हम बीच में कहीं पर भी इसको यूज नहीं करेंगे, या तो स्टार्टिंग में यूज करेंगे सेंटेंस के या तो लास्ट में यूज करेंगे। तो अगर टुडे लगाना है तो टुडे हम यहाँ पर लगा सकते हैं, टुडे वाई। अब इसके बाद क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वह क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर किस में आते हैं हमारे, सिंगुलर साथ हम यूज करते हैं इज यूज करते हैं। तो वाई इज देन ही लड़का है जा रहा है, तो टुडे वाई इज ही, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट है नॉट, वर्ब है वर्ब क्या है जाना, तो गो लगाया मैंने यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या है आई एन जी, तो आई एन जी एड कर देंगे हम। तो गोइंग, गोइंग के साथ हम लगाते हैं टू, और कहाँ जा रहा है स्कूल, ऑब्जेक्ट में क्या है स्कूल, एस सी एच डबल ओ क्वेश्चन मार्क सिंबल। तो टुडे वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, आज वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो टुडे वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ में आया आपको सेंटेंस, एक एग्जांपल और देखते हैं। हम रूल के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमारा समझने में इजी होगा। एक बार इस रूल को आप समझ लीजिए अच्छे से, ओके। दूसरा देखते हैं, तुम कब सोने नहीं जा रहे हो, तुम कब सोने नहीं जा रहे हो, कब को मनाते हैं, आके नहीं भी दिया हुआ है, तो वेन लगाया मैंने कब के लिए, वेन। वेन के बाद हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तुम है, तुम को लगाते हैं यू, और यू आता है हमारा प्लुरल में, तो प्लुरल के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम, आर। तो वेन आर, फिर सब्जेक्ट है तुम को होता है यू, तो वेन आर यू, उसके बाद से क्या है नॉट, नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है जाना, जाने का लगा दिया गो, गो के साथ हम आई एन जी एड कर देंगे क्योंकि वर्ब के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर दो वर्ब दिए हैं, एक आपका जाना है एक सोना है, तो मैंने आपको बताया था कि वेन आर यू, पहले वर्ब के साथ जब हम यूज करते हैं तो आई एन जी एड करते हैं, सेकेंड आता है तो सेकेंड में हम यूज नहीं करते आई एन जी। तो वेन आर यू नॉट गोइंग टू, ठीक है, स्लिप हो जाएगा, सोने का होता है स्लिप, तो वेन आर यू नॉट गोइंग टू स्लिप। तो आपको समझ में आया ये चीज, सेम वही चीज़ है जो हमने लास्ट आपका सेकंड टाइप बताया था, बस इसमें नॉट ऐड हो गया है और कोई भी चेंजमेंट नहीं है आपका। बस कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ उसमें हमारे नहीं भी ऐड हो जाते हैं, जब नहीं ऐड होते हैं तो उसके लिए फिर हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ओके, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये रूल आपका प्रिपेयर किया जाता है। इस अगर रूल आपने लर्न कर लिया अच्छी तरह से तो आप सेंटेंस भी इजी तरीके से, ओके, प्रिपेयर कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे। तो आई होप डैट कि आपको वीडियो समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं आपके लिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जब स्टार्ट होगा वो होगा आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट होगा, तो
तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, उसके भी मैं पार्ट्स बताऊंगा छोटे छोटे, जिसकी वजह से आपको इजी तरीके से समझ में आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।